हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली हम फिफ्थ यूनिट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉर्क, टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। आज बिल्कुल उसी तरह हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो चलो स्टार्टिंग करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम है क्या। तो देखिए, टॉपिक है आपका दैट इज एंगुलर मोमेंटम। बेटा जैसे टॉर्क है, टॉर्क को हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम को बोला जाता है इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए क्या बताएंगे, इट इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? जो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसको क्या कहा जाता है, एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। या फिर एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, आप सिंपल वे में बता सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, क्योंकि देखो जब कोई बॉडी रोटेट करेगी तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट तो रोटेट करेगी, तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम उसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड होगा। तो देखिए आप क्या बताओगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनिए बेटा, किस किस का प्रोडक्ट होगा, एक तो होगा लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम है वो अपने आप में प्रोडक्ट है। किस किस का प्रोडक्ट है बेटा, लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए क्या बता सकते हैं, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए, एंगुलर मोमेंटम को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर आएगा बेटा, दैट इज आर क्रॉस पी।
पी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर इसको मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बताना चाहें तो क्या आएगा, दैट इज आर पी साइन फाई, और यहाँ पे फाई क्या होगा, दिस इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर बेटा, यही होगा ना। तो अब देखिए, ये जो है ये इसका रिजल्ट है वेक्टर फॉर्म में, और ये जो रिजल्ट है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। क्लियर, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आर क्रॉस पी, ये तो वेक्टर फॉर्म में होगा, और दूसरा आ जाएगा आर पी साइन फाई, ये किस में होगा बेटा, मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म में होगा। क्लियर, अब दूसरा देखना, अगर मैं यहां पे कहना चाहूं कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी आर पी के बराबर, आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, और कब होगी, जब फाई किसके इक्वल टू होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, और एल की एंगुलर मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू होगी जीरो, और मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब फाई की वैल्यू जीरो या 180 डिग्री होगी। क्लियर, जब आपके फाई की वैल्यू जीरो या 180 डिग्री होगी, उस टाइम पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, आपकी मिनिमम वैल्यू शो करेगा। क्लियर, अब ध्यान रखेंगे एंगुलर मोमेंटम जो है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप ध्यान रखेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इट्स मेजरिंग यूनिट इज अब समझिए बेटा, बात करते हैं मेजरिंग यूनिट की। यस, समझेंगे एक पॉइंट बहुत ध्यान से, कि आप ये कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस पी, पी मतलब लीनियर मोमेंटम और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, मास की मेजरिंग यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मेजरिंग यूनिट मीटर पर सेकंड, और बेटा डिस्टेंस भी अपने आप में क्या है, मीटर है, तो इसलिए मेजरिंग यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड। क्लियर, तो ध्यान रहेगा मेजरिंग यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड, और इसी के बेस पे डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो सकता है, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज किलोग्राम मतलब मास, एम रेज टू द पावर वन, वन एल रेज टू द पावर टू, और टी रेज टू द पावर माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, अब मैं पहले ही कह चुका हूं हमने तीन चीजें पढ़नी है, एंगुलर मोमेंटम, फिर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर, दोनों पढ़ने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी और पोलर कोऑर्डिनेट में भी। तो देखिए, बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एंगुलर मोमेंटम पढ़ने हैं हमने, किसमें पढ़ने हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ने हैं। क्लियर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो देखिए
एक बार हम पढ़ेंगे इन टू डायमेंशनल, फर्स्ट जो आएगा वो तो क्या पढ़ेंगे इन टू डायमेंशनल, और एक बार पढ़ेंगे इन थ्री डायमेंशनल। पहले टू डायमेंशनल की बात करते हैं, तो सबसे पहले यही लिखेंगे, वी नो दैट, हमने क्या पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, दैट इज आर क्रॉस पी है, ठीक है। अब देखना, नाउ पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, भाई टू डायमेंशनल है तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके चलते हैं बस। और देखना, दूसरा बात करते हैं लीनियर मोमेंटम, दैट इज लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। और अब देखना क्या आएगा, नाउ एंगुलर मोमेंटम, नाउ एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और अब क्या करेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और सुनो डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो होगी वो तो रहेगी आई कैप जे कैप और के कैप, सेकंड रो रहेगी जो वेक्टर है पहले उसके कंपोनेंट, तो आर के कंपोनेंट एक्स वाई, और बेटा टू डायमेंशनल है तो इसका मतलब जेड की जगह जीरो, फिर बाद में जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट पी एक्स पी वाई और जीरो। अब डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता ही है, डिटर्मिनेंट में क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट में फिक्स होता है एक ब्रैकेट के बाहर आई कैप, माइनस का निशान लगा के एक ब्रैकेट के बाहर जे कैप, और प्लस का निशान लगा के एक ब्रैकेट के बाहर आपका के कैप। तो देखना, आई की हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को कवर करेंगे तो वाई इंटू जीरो जीरो माइनस पी वाई इंटू जीरो जीरो, इसलिए आई कैप में क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो आएगा। फिर जे कैप में देखो, जे की हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन कवर, फिर क्या होगा एक्स इंटू जीरो जीरो माइनस पी एक्स इंटू जीरो जीरो, तो जे में भी जीरो। फिर के की हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को कवर करो तो क्या आएगा, एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, तो देखना क्या आया, एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। और इस तरह से आपका एंगुलर मोमेंटम टू डायमेंशनल में आ गया एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, क्या आ गया बेटा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एंड दैट इज इन के कैप, और ये किस में आ गया बेटा, के कैप में आ गया। तो देखिए ये आ गया एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट इन टू डायमेंशनल। अब इसी तरह करेंगे बेटा इन थ्री डायमेंशनल, तो मेरी बात सुनिए, जैसे हमने टू डायमेंशनल में किया बेटा, इसी तरह हम किस में करेंगे बेटा, थ्री डायमेंशनल में करेंगे। तो देखिए थ्री डायमेंशनल में करने के लिए हम बात करते हैं दैट इज टॉर्क इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, और किस में बेटा, थ्री डायमेंशनल में। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ लिया इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट टू डायमेंशनल, अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशनल, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, और क्या आ जाएगा, इन थ्री डायमेंशनल। अब देखिए
बेटा थ्री डायमेंशनल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम इसी तरह चलेंगे. वी नो दैट. बोलो जरा, हमने अभी अभी पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, आर क्रॉस पी होता है. आर मतलब पोजिशन वैक्टर और पी मतलब लीनियर मोमेंटम. अब देखना, थ्री डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो आर क्या है, पोजिशन वैक्टर है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली बेटा ये. तो पोजिशन वैक्टर आर को हम कैसे लिख सकते हैं, टू डायमेंशनल में लिख रहे थे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और थ्री डायमेंशनल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जेड के कैप आ जाएगा. क्लियर. उसके बाद आपका लीनियर मोमेंटम आया, उसके बाद नेक्स्ट आया आपका लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम पी किसके बराबर आएगा बेटा, पी एक्स आई कैप पी वाई इंटू जे कैप प्लस पी जेड इंटू के कैप. थ्री डायमेंशनल है. तो अब देखना, नाउ एंगुलर मोमेंटम बात करेंगे किसकी, सीधा एंगुलर मोमेंटम पे आते हैं. नाउ एंगुलर मोमेंटम, अब हमने ये पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्रॉस पी होगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसे बनाया जाता है, डिटरमिनेंट से. पहली जो रो आएगी वो आएगी आई जे के, दूसरी रो पहले वेक्टर के कंपोनेंट एक्स वाई और जेड, तीसरी रो दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड. क्लियर. अब देखना सॉल्व करना है, सॉल्व करते वक्त कुछ नहीं है, सेम पैटर्न, एक ब्रैकेट के बाहर आई कैप माइनस एक ब्रैकेट के बाहर जे कैप और प्लस एक ब्रैकेट के बाहर के कैप. आई वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, आई की हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन कवर करो, ये आ जाएगा वाई इंटू पी जेड माइनस पी वाई इंटू जेड. तो देखना क्या आया, वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई. सेम इसी तरह जे के लिए भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को कवर करो, क्या आएगा एक्स इंटू पी जेड माइनस पी एक्स इंटू जेड. तो देखना क्या आ गया, इसको कवर किया तो यही आएगा एक्स इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स, के के लिए एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, क्या आ जाएगा माइनस वाई इंटू पी एक्स आ जाएगा. अब मेरी बात सुनिए, ये जो रिजल्ट आ गया ये आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम. देयरफोर एंगुलर मोमेंटम इन थ्री डायमेंशनल इज वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई इंटू आई कैप माइनस एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स इंटू जे कैप प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इंटू के कैप. क्लियर. तो इस तरह से ये हमारा आया एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और किस में आ गया, थ्री डायमेंशनल में. टू डायमेंशनल में पढ़ चुके हैं और अब ये किस में आया, थ्री डायमेंशनल में आया. और अब बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट. तो देखिए लास्ट और फाइनल आता है आपका, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट. क्लियर. क्या आया आपका, एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट. तो देखिए एंगुलर मोमेंटम पोलर कोऑर्डिनेट को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे बेटा डायग्राम की. तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, बिल्कुल डिट्टो वही डायग्राम रिपीट कर सकते हैं जो हमने टॉर्क वाले में किया था, कि हम सिंपल मानेंगे कि ये तो मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट मान लीजिए
क्लियर। और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मान लीजिए आर वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, और मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, थीटा का एंगल है। और उसके बाद फोर्स अज्यूम किया था, फोर्स की बजाय हम इस बार मान लेंगे लीनियर मोमेंटम, और आप ये मान लीजिए कि लीनियर मोमेंटम है पी वेक्टर। और बेटा लीनियर मोमेंटम आपका एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए अल्फा का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना का एंगल बना रहा है, अल्फा का एंगल बना रहा है। और आप यहां पे पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम के बीच का एंगल मानेंगे फाई, ये एंगल फाई है तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। और आपको लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और यहां से नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये जो आ जाएगा ये एंगल अपने आप में 90 का हो जाएगा। क्लियर, ओरिजिन और ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये अपने आप में किसका हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम डायग्राम था टॉर्क के लिए, बशर्ते वहां पे फोर्स था, यहां पे हमने क्या शो कर दिया, यहां पे हमने शो कर दिया दैट पी इज रिप्रेजेंटिंग द लीनियर मोमेंटम। क्लियर, अब हम करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप सीधा लिखेंगे नाउ रिजोल्व पोजिशन वेक्टर इंटू रेक्टेंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद लिखेंगे नाउ रिजोल्व लीनियर मोमेंटम इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो देखिए स्टार्टिंग सीधा यहीं से है, वी नो दैट, हमने ये पढ़ा है कि थ्री डायमेंशनल में ये था, अगर टू डायमेंशनल की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम आता है एक्स पी वाई इन माइनस वाई पी एक्स, टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन में यही तो मैग्नीट्यूड है। अब देखो क्या करेंगे, नाउ रिजोल्व आर वेक्टर इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बेटा आर वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, और देखिए मेरी बात सुनिए, आपने ये पढ़ा है मान लीजिए कोई भी वेक्टर है आर, क्लियर, अगर ये आर वेक्टर इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट आ जाएगा आर कोस थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा आर साइन थीटा। अब ये एक्स एक्सिस है तो x तो किसके बराबर होगा, r cos थीटा के, और y किसके बराबर होगा, r sin थीटा के। अब देखिए आप कहते हो पोजीशन वेक्टर r है, इसका जो x एक्सिस का कंपोनेंट आएगा, x एक्सिस में एंगल थीटा है और इसलिए आपका x कंपोनेंट आ जाएगा r cos थीटा के बराबर, और बेटा जो y कंपोनेंट है वो y कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, r sin थीटा के बराबर आएगा। इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन वन। इसी तरह अब लीनियर मोमेंटम के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व कर दो, नाउ रिजोल्व लीनियर मोमेंटम पी इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लीनियर मोमेंटम को क्या करो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करो, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो देखना क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम पी है तो लीनियर मोमेंटम पी एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा का एंगल, इसलिए इसका जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में आएगा वो तो किसके बराबर होगा, पी, और थीटा की जगह अल्फा है तो क्या आ जाएगा, आप सिंपल लिख सकते हैं कि x एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा वो p cos अल्फा के बराबर होगा, और बेटा y एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, p sin अल्फा के बराबर आएगा। पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन,
वैल्यूज को कहाँ रखते हैं बेटा, इक्वेशन वन में रखते हैं। तो देखिए इक्वेशन वन में क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम एल, देखना एक्स की जगह में क्या लिखूं, एक्स की जगह मैं लिखता हूं आर कोस थीटा, पी वाई की जगह लिखता हूं पी साइन अल्फा, माइनस वाई की जगह लिखता हूं आर साइन थीटा, और बेटा पी एक्स की जगह लिखता हूं पी कोस अल्फा। अब बेटा आर पी कॉमन लेते हैं, आर पी कॉमन लिया तो क्या बच गया, साइन अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा। और बेटा ये फॉर्मूला हो गया, देखो बहुत ध्यान से, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, एंड आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी, क्लियर। और अब समझिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अब है अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ओ के एंड दिस पॉइंट, इस ट्राइंगल में बाहर जो एंगल है वो अल्फा है, और आपको ये पता है ट्राइंगल के आउटसाइड जो एंगल होता है वो इंटरनल अदर टू एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये जो अल्फा एंगल है ये थीटा प्लस फाई आ जाएगा, रेफरेंस में दे देंगे, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, एंड देयर फोर अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई, और अल्फा माइनस थीटा फाई के बराबर आ जाएगा, और इस तरह से एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ गया, आर पी साइन फाई आ गया। डिफाइन किया तो हमने यही कहा था कि ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म है, और फाई क्या है, स्मॉलर एंगल बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस तरह से बता देंगे विच इज एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट, विच इज एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट, इन पोलर कोऑर्डिनेट, क्लियर। इस तरह से ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया बेटा, और किस में आ गया, एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट आ गया, क्लियर। तो इस तरह से देखो हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, वेक्टर क्वांटिटी है, मेजरिंग यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। फिर हम आए एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, हमने टू डायमेंशनल भी पढ़ा और हमने थ्री डायमेंशनल भी पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट, और इस तरह से ये हमारा आ गया एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट, क्लियर। और बेटा दोनों टॉपिक्स नियर अबाउट सेम हैं, जैसे आज वाले लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया है, ऐसे ही प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉर्क को डिस्कस किया था। वहां क्या था, टॉर्क, टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। इसी तरह आज वाले लेक्चर में हमारा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट, क्लियर। इतना कर लेंगे, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा उसमें हम रोटेशनल मोशन को डिस्कस करना शुरू करेंगे फर्दर और आगे, और स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया के बारे में, क्लियर। तो इतना कर लीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ओके, थैंक यू।